पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सूबे की सियासत गर्मा गई है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है और खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि सिद्धू अपनी पत्नी की सीट पर अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में शामिल नवजोत कौर सिद्धू ने ही इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सिद्धू पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनका क्षेत्र होगा अमृतसर पूर्वी। नवजोत ने बताया कि वो सिद्धू का साथ देंगी। कांग्रेस हाईकमान जल्द ही इस पर मोहर लगाएंगी। आपको बता दें कि सिद्धू को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में घमासान चल रहा था, लेकिन अब साफ हो गया है कि सिद्धू कांग्रेस के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस ने उन्हें कौन सा पद ऑफर किया है, लेकिन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता सिद्धू से संपर्क साधे हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिद्धू की बजाय अरुण जेटली को इस क्षेत्र से टिकट दिया था, जिसको लेकर सिद्धू काफी नाराज थे और बीजेपी छोड़ने की मुख्य वजह शायद यह भी थी। लेकिन अब सिद्धू को उनकी सीट वापस मिल रही है। ऐसे में सिद्धू क्या कमाल कर पाते हैं, ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।